गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो रिएक्शन स्टडी करेंगे वो रहेगी परकिन रिएक्शन और परकिन कंडेंसेशन भी इसे कहते हैं। ये रिएक्शन भी हम इनोलेट केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करने वाले हैं। इनोलेट केमिस्ट्री के अंदर हम इसे स्टडी कर रहे हैं। ये रिएक्शन रहती है सेम लाइक क्लेजन कंडेंसेशन के लाइक रहती है। कंडेंसेशन रिएक्शन के लाइक ये रिएक्शन रहती है और इसमें भी आपको इंटरमीडिएट के रूप में इनोलेट देखने को मिलता है। जैसे कंडेंसेशन क्लेजन कंडेंसेशन में डाइएस्टर ग्रुप रहता था वो कंडेंस्ड होके आपको क्या बनाता था, कंडेंस्ड होके आपको बीटा कीटोएस्टर बनाता था। बस उसी को हम आगे यहाँ पे प्रोसेस करेंगे, देखते क्या है इसके अंदर पॉइंट मेन। पहला पॉइंट था कंडेंसेशन बिटवीन एसिड हाइड्राइड एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड। ओके, तो यहाँ पे एक रहेगा आपके पास एसिड एनहाइड्राइड, दिस वन एसिड एनहाइड्राइड, और एक रहेगा आपके पास एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये है आपका पेंजल्डिहाइड। ओके, बेसिक मीडियम आपके पास रिक्वायर्ड रहेगा तो ये रहा मेरे पास बेट सोडियम एसिटेट, या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं सोडियम ओ सी यू सी एच थ्री। हम वही बेस यहाँ पे यूज में लेते हैं जो ग्रुप एलिमिनेट होने लायक रहता है। सपोज कोई बेस ने यहाँ पे अटैक किया तो कौन सा ग्रुप एलिमिनेट हो सकता है, एसिटेट, इसलिए हम सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटेट यहाँ पे लेते हैं। प्रोडक्ट विल बी डेरिवेटिव ऑफ सिनेमिक एसिड, तो ये जो आपको प्रोडक्ट मिलता है दिस वन, ये क्या रहता है, सिनेमिक एसिड रहता है या इसका डेरिवेटिव आपको देखने को मिलता है। एक हमने यहाँ पे देख लिया जनरल रिएक्शन, ये हमारे पास जनरल रिएक्शन है, दिस वन इज एसिड एनहाइड्राइड है, एसिड एन हाइड्राइड, एंड अदर वन इज बेंजल डेड एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड है मेरे पास। और कंडीशन मैंने लगाई है बेसिक कंडीशन सोडियम एसिटेट की कंडीशन है, तो मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा सिनेमिक एसिड प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। अब इसका रिएक्शन मैकेनिज्म देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब मैं एसिड एनहाइड्राइड को टर्मिनल जो सी एच थ्री है उसको मैंने कैसे लिखा, सी एच टू एच, बेस में क्या यूज ले रहा हूँ सोडियम एसिटेट, तो एसिटेट आयन मिलेगा मुझे एसिटेट आयन और एन ए प्लस आयन, तो इस एसिटेट आयन का नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो इस प्रोटॉन को इसने किया एब्स्ट्रैक्ट, इससे क्या हुआ कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर होगा, ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, अब मेरे पास क्या बनेगा, दिस वन इज सी एच टू नेगेटिव चार्ज कार्बोनिल, दिस वन इज ओ एंड दिस सी एच थ्री, ये आपका क्या रहेगा, ये आपका स्टेबलाइज रहेगा इस टाइप से, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे और आपके पास कार्बोनिल ओपन, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और आपको मिलेगा इनोलेट। ओके, तो ये मना आपका सी एच टू डबल बॉन्डेड टू कार्बन, डबल सॉरी सिंगल बॉन्डेड टू, इसे हम रब करेंगे। अब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज गया तो यहाँ पे ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होगा और जहाँ पे नेगेटिव चार्ज, देन आफ्टर दिस आपके पास ऑक्सीजन, दिस आपके पास कार्बोनिल और दिस सी एच थ्री। ओके, तो मुझे ये क्या मिला, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ग्रीन से येलो से, ये मिला मुझे इनोलेट, तो मैं लिख लेता हूँ ये इनोलेट हो गया मेरे पास। अब नेक्स्ट वन क्या था आपके पास, नेक्स्ट था आपके पास एरोमेटिक एल्डिहाइड, नीचे मुझे एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया था सी एच ओ, मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूँ पी एच कार्बोनिल एच। अब ये रिवर्स अटैक करेगा कैसे देखिएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे यानी इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे अटैक, देन आफ्टर दिस बॉन्ड ओपन एंड गोज टू हेयर, इसका कार्बोनिल फिर ओपन हो जाएगा और आपके पास नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर। नंबर दे दीजिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कौन सा कार्बन किससे अटैच्ड है, तो दिस वन वन, दिस वन टू, दिस वन इज थ्री, तो वन टू थ्री का आपको पहले स्केलेटन ड्रॉ कर लेना है, उसके बाद उसके ऊपर सब स्टूडेंट अटैच कीजिएगा। तो दिस वन इज पी एच, दिस वन इज कार्बन, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, दिस वन इज एच, ये आपका ऐड रहेगा सी एच टू से, दिस वन इज कार्बोनिल का ओ, दिस वन इज ओ, दिस वन इज डबल बॉन्ड, दिस वन दिस, ये रहा मेरा वन टू थ्री, नाम देता हूँ जो मैंने पहले दे रखा था, ये आपका था वन, सॉरी ये आपका था वन, ये आपका था टू और ये आपका था थ्री। ठीक है, अब आपका जो फर्दर रिएक्शन है उसमें क्या होगा, आपके पास आपको इस पूरे स्केलेटन को वापस से रीअरेंज करना और आपको एक सिक्स मेंबर रिंग यहाँ पे दिखेगी। ये तो जो नंबर मैंने दिया
वो प्रीवियस नंबर था स्केलेटन को ड्रॉ करने के लिए, अब मैं एक न्यू नंबर देता हूँ सिक्स मेंबर के लिए। देखिए वो किस टाइप से रहेगा, मैं उसके लिए यूज में लेता हूँ ब्लू कलर। दिस वन इज 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो वन नंबर पे ऑक्सीजन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो अटैक करेगा सिक्स नंबर पे, इससे कार्बोनिल बॉन्ड ओपन होगा और इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बियर करेगा। तो उसके लिए मैं ड्रॉ करता हूँ नीचे, देखिए इस टाइप से आपके पास रहेगा। मैं सिक्स मेंबर जो रहेगा सिक्स नंबर को ऊपर लिखता हूँ और आपके पास जो रहेगा मैं उसे ड्रॉ करता हूँ। दिस वन इज ओ, दिस सेकेंड ओ, यहाँ पे ये आपका मिथाइल है, ये वाला मिथाइल रहेगा, ठीक है। और ये बॉन्ड ओपन होगा, ये जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, दिस वन। नंबर देता हूँ तो जाके आपको पता चलेगा सही से। देखिए मैंने ब्लू से नंबर दिया था तो ब्लू को मैं यूज लेता हूँ। ये है आपका वन नंबर, ये आपका है सिक्स नंबर, ये आपका फाइव नंबर, ठीक, 1, 6 एंड 5। अब मुझे ड्रॉ करना है नीचे के तीन स्केलेटन, तो उसके लिए ड्रॉ कर लीजिए। सिक्स मेंबर रिंग बन रहा है, फाइव के बाद क्या आता है फोर, तो दिस वन इज फोर रहेगा आपके पास, और यहाँ पे आपके पास कार्बोनिल दिस वन, फिर आपके पास रहेगा सी एच टू, देन सी एस सी के साथ क्या क्या अटैच है, एक पी एच अटैच है और एक एच अटैच है, ठीक। अब मैं इसको वापस से नंबर देता हूँ, दिस वन 5, दिस वन इज 4, दिस वन इज 3 एंड दिस वन इज 2। तो देखिए 2 नंबर के साथ पी एच और एच था, तो यहाँ पे भी 2 नंबर के साथ पी एच है और एच है आपके पास, और 1 नंबर ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था उसने अटैक किया 6 नंबर पे, ये 6 नंबर पे, तो ये बॉन्ड आपका क्या हुआ था, ओपन हुआ था। सपोज ये आपका यहाँ पे अटैक करेगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड आपका ओपन होके नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा, तो यही मेरे पास यहाँ पे आया, मैं इसे ग्रीन से हाईलाइट करता हूँ, ओके, ये बन गया मेरे पास रीअरेंज होके प्रोडक्ट। अब आपके पास क्या होगा, अब ये होगा कि वापस ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है ओके, वो आपका रिवर्स अटैक करेगा। रिवर्स अटैक करने से क्या होगा, देखिए क्या होता है, दिस वन आपके वो देखने को मिलेगा, ये आपके पास हो जाएगा, देखिए दिस वन रिवर्स अटैक करवाइए, ये आपके पास यहां से यहां पे अटैक, ओके, तो ये बॉन्ड आपका जो है दिस वन, ये आपका क्या होगा, देखना जस्ट वन मिनट, यहां पे अटैक करने पे दिस बॉन्ड शिफ्टिंग टू हेयर एंड कार्बोनिल के ऊपर आपके पास अब आएगा नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड ओपन और यहां पे आपको नेगेटिव चार्ज। तो इसे वापस से रीअरेंज करके लिखते हैं, जस्ट मिनट, आपके पास जो है उसे वापस से लिख लेते हैं। ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, यहां पर एक था आपका मिथाइल, यहां पे एक ऑक्सीजन है, दिस पीएच रहेगा यहां पे, देन दिस थ्री नंबर एंड दिस, यहां पे क्या है आप देखिए, ये हो गया आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, ये हो गया आपका ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज। नंबर देना तो नंबर देके देख लीजिए, जो भी नंबर आपने प्रीवियस अप्लाइड किए थे उसे नंबर दीजिए। तो ये था आपका सिक्स नंबर, ये आपका था फाइव, दिस वन इज 4, दिस वन इज 3, दिस वन इज 2, दिस वन इज 1। अब 5 एंड 4 के बीच में कार्बोनिल आ गया क्योंकि रिवर्स अटैक हुआ था, ठीक है। इसे वापस से रीअरेंज कर लेते हैं, तो रीअरेंज करने पे आपको क्या दिखेगा, रीअरेंज करेंगे तो आपको मिलेगा समथिंग दिस लाइक प्रोडक्ट, पीएच ये कार्बन, इसके ऊपर है मेरे पास ओ डबल बॉन्डेड टू दिस वन, एंड देन आफ्टर दिस कार्बन थ्री नंबर, देन आफ्टर दिस कार्बन ओ माइनस, ओके। अब आपको क्या करना है, ये आपका प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा कहीं से, सॉल्वेंट से इसने प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया, ठीक, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया आपका सॉल्वेंट से इसने, तो आपके पास मिल गया लाइक दिस प्रोडक्ट पीएच। ये आपका जो ऊपर दिख रहा है ये एसिटेट ग्रुप है पूरा का पूरा, ये एक गुड लिविंग ग्रुप है, ठीक, एक तो मेरा बन गया यहाँ पे COOH, यहां का जो प्रोटॉन है एच, और ये जो ऊपर गुड लिविंग ग्रुप है एसिटेट, ये देखिए दिस वन, ठीक। अब क्या होगा कि मेरा बेसिक मीडियम अप्लाइड है, बेसिक मीडियम में मीन्स मेरे पास क्या है OAC, मैंने शुरुआत में जो बेस लिया था वो क्या लिया था, बेस, मैंने शुरुआत में बेस लिया था NaOAC, तो ये बेस का OAC पार्ट यहां पर है। अब ये क्या करेगा, इस पर्टिकुलर प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इससे इसने एब्स्ट्रैक्ट किया,
तो ये बॉन्ड आपका यहाँ पे शिफ्ट, और फिर आपका ये बॉन्ड आपका गेट एलिमिनेट, ये पूरा का पूरा ग्रुप एलिमिनेट। ये कौन सी रिएक्शन थी? ये रिएक्शन है आपकी E2 रिएक्शन, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें कोई बेस प्रोटॉन अटैक करता है और उसका एंटी ग्रुप आपका एलिमिनेट हो जाता था। दिस वन इज E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। तो मैं लिख देता हूं E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, आप यहां पे देख रहे हम डबल बॉन्ड केमिस्ट्री फॉर्मेशन के अंदर इसे देखने वाले हैं। तो E2 एलिमिनेशन हुआ, देन आफ्टर आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा दिस PH, दिस डबल बॉन्ड, दिस COOH। तो ये क्या हो गया आपके पास? सिनेमिक एसिड, सिनेमिक एसिड। ये आपका था फाइनल प्रोडक्ट, दिस वन इज प्रोडक्ट। ओके, तो ये हमने देखा परकिन रिएक्शन। अगर हम वन बाय वन स्टेप फॉलो करते हुए, तो हमारे पास प्रोडक्ट सेम आएगा, परकिन रिएक्शन प्रोडक्ट हमारे पास सेम आएगा। तो जस्ट मैं इसे स्क्रीन फिट करता हूं। ओके, देखिए वापस से हम इसको हाईलाइट कर लेते। हम पढ़ क्या रहे थे? परकिन रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, कंडेंसेशन बिटवीन एसिड एनहाइड्रेट एरोमेटिक, हमने देख लिया। हमें देखना था मैक्रिन, मैक्रिन में क्या होता है? एसिड एनहाइड्रेट के साथ मैंने जो बेस यूज में लिया वो इस प्रोटॉन का अटैक करेगा, यहाँ पे कार्बनियन बनेगा, कार्बनियन वापस इनलाइज होगा, इनलेट बनेगा, इनलेट का एल्केलेशन किसके साथ होगा? बेंजाइल डाइहाइड के साथ। तो इसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। इसका लेटर बनाने के लिए 1 2 3 लिख दीजिए, 1 2 3, फिर 6 मेंबर रिंग बनाइए। तो जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो अटैक करेगा कार्बनिल के ऊपर, तो ये कार्बनिल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, कार्बनिल का बॉन्ड ओपन हुआ, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, वापस से रिवर्स अटैक, ये बॉन्ड आपका यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये बन गया दिस वन। इसने क्या किया? प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट किया, सॉल्वेंट से प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करके क्या बना दिया? COH। अब जो आपका एसिडिक, सॉरी बेसिक जो कंडीशन है आपका OAC आपका है, ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और आपको मिलेगा सिनेमिक एसिड। आई होप आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। उस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम जो रिएक्शन स्टडी करने वाले हैं वो रहेगी बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे हम? बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो प्लीज इस लेक्चर को देखना ना भूले। तो चलिए लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।